अस्सलाम वालेकुम, चौधरी कॉस्मेटिक्स से मैं हूं अभी लतीफ़। आज की मेरी वीडियो पॉन्ड्स क्रीम के हवाले से है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्रीम है, तो सारे इस पर रिव्यू कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी करता हूं और इंशाल्लाह आपको जो मैं रिव्यू करूंगा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और साफ लफ्ज़ों में करूँगा, आसान लफ्ज़ों में करूँगा। इसके आपने रिव्यू जितने भी देखे होंगे वो क्रीम को पकड़ते हैं, सुपर लाइट जेल, नॉन स्टिकी, फ्रेश फील, हाइड्रेटेड स्किन, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई। उसके बाद जी इसको कंपनी क्लेम करती है सुपर लाइट वेट, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग, ये सारा कुछ पढ़ के सुना देते हैं। लेकिन आपको किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये साफ लफ्ज़ों में कौन सी क्रीम कौन सी स्किन के लिए। और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सुपर लाइट जेल है ये टाइड स्किन, डल स्किन, जिनकी स्किन में एक फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है उनके लिए है, और ख़ासतौर पर ऑयली स्किन के लिए सुपर लाइट जेल ये बहुत अच्छी क्रीम है। वाटर बेस में ये क्रीम है, ये स्पेशल उनके लिए जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। ये एक बात ये हो गई। अब ये पॉन्ड्स की दूसरी क्रीम है लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हेलरोनिक एसिड है और विद विटामिन ई है, इसमें ग्लैसरीन है विद विटामिन ई है। विटामिन ई दोनों में है लेकिन ग्लैसरीन के साथ है और ये जो है हेलरोनिक एसिड के साथ। ये आपकी स्किन अगर ड्राई है उसके लिए फिर आपको ये 100% सूट करेगी और ये सर्दियों में सबसे बेस्ट है। फ़र्क सिर्फ अब ये है कि ये ड्राई स्किन के लिए, ये ऑयली स्किन के लिए। ये सिंपल सा रिव्यू है इसका और आपको साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, अगर आपकी स्किन डल है, आपने स्किन में ग्लो पैदा करनी है और स्किन आपकी ऑयली है, उसके लिए आपको लाइट जेल, सुपर लाइट जेल, ये वाली क्रीम सही सूट करेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है और अगर आपको मॉइस्चर चाहिए और क्रीमी फॉर्म में मॉइस्चर चाहिए, तो फिर आपको ये वाली जो है विद ग्लैसरीन, विटामिन ई, लाइट मॉइस्चराइजर, ये वाली क्रीम। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और साफ लफ्ज़ों में आपको समझ आ भी गई होगी कि कौन सी क्रीम किस स्किन के लिए है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।